हेलो ट्रेडर्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड फिबोनाची के बारे में कि हम इन तीनों टूल्स का यूज कैसे कर सकते हैं और इनका अच्छे तरीके से बेनिफिट कैसे हमें मिल सकता है। तो ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, तो आपको जब टाइम मिले या नाइट में तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप अगर सीखने के लिए आए हैं तो आपको थोड़ा टाइम तो अपनी लर्निंग पर देना पड़ेगा। एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोगों का जिस तरह से इस चैनल को सपोर्ट मिल रहा है, ये सपोर्ट बनाए रखिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का और इस तरह की लर्निंग वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो चलिए अब हम हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। हेलो ट्रेडर्स, तो अब हम आ गए हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पर और अब हम देखेंगे कि ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और फिबोनाची का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन का सबसे मेन यूज़ जो है वो है हमें ट्रेंड पता करने के लिए कि हम कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। और ट्रेंड लाइन को बनाने के लिए हमें मिनिमम दो पॉइंट की ज़रूरत होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कोई पॉइंट है और ये कोई पॉइंट है। तो ये जो दो पॉइंट है इनको मिलकर हमारी ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ होती है ये। तो मिनिमम टू पॉइंट्स चाहिए हमें एक ट्रेंड लाइन बनाने के लिए, और इसी से हम चार्ट पैटर्न्स भी बनाते हैं। यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन का जो टूल है, इसी की तरह हम जैसे कि ये और ये, तो इस तरह से हम चार्ट पैटर्न्स भी बनाते हैं। ये है एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जिसमें स्टॉक कंसोलिडेट होता है एक फिक्स रेंज में। तो ट्रेंड लाइन का सबसे मेन यूज़ है हमें ट्रेंड पता करना है, और ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हमें दो पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। तो चलिए हम पहले अभी चार्ट्स में देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसके हिडन पॉइंट्स भी बताऊंगा कि तो ये हमारे ट्रेंड लाइन का टूल है, यहाँ पर हमको दो पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमने ये पॉइंट ले लिया और ये, तो ये हमारी ट्रेंड लाइन कंप्लीट हो गई। जैसा कि आपको दिख रहा है इस पॉइंट को मिला के और इस पॉइंट को मिला के, तो ये हमारी ट्रेंड लाइन कंप्लीट हो गई है और ये हमें बता रहा है कि ये जो स्टॉक है अभी अप ट्रेंड में, क्योंकि ये बार बार इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था। तो इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन का यूज़ करना, मिनिमम हमको टू पॉइंट्स चाहिए। अब इसको हम इफेक्टिव यूज़ में कैसे ले सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर आपको के पास ट्रेंड लाइन के लिए दो पॉइंट्स है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट ये है और सेकेंड पॉइंट ये है, और फिर स्टॉक ऐसी पोजिशन में है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस पॉइंट से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट तक। अब आपको पता नहीं है कि ये जो ये वाला पॉइंट है ये ऊपर कितना जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, इस राइट क्लिक करके इसमें क्लोन का आता है, तो हम इस ट्रेंड लाइन का क्लोन कर देंगे और जो इसका जो हाई था, हायर हाई, उस पर हम ऐसे रख देंगे। तो जो ये स्टॉक है वो यहाँ पर जाने के बाद इसको रेजिस्टेंस की तरह काम में लेगा और यहाँ से ये नीचे आ सकता है, और अगर ये इसको ब्रेक करता है तो एक रीटेस्ट यानी पुल बैक के बाद ये सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ट्रेंड लाइन में हमको उसका क्लोन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब आपको बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे मिलेंगे कि आप बॉडी से बॉडी ट्रेंड लाइन बनाइए, या फिर कोई कहेगा कि आपको वीक से वीक ट्रेंड लाइन बनाइए, लेकिन आपको दोनों को यूज़ करना है। वो भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं दोनों को। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, जैसे कि टू पॉइंट्स है ये, अब ये टू पॉइंट्स है, तो अब जैसे कि अब ये यहाँ पर, जैसे आप देखिए अब इन टू पॉइंट्स के बाद आपको पता नहीं है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर कितना, मतलब इस आगे कितना सपोर्ट ले सकता है या ऊपर कितना जा सकता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे। ये हमने इसको एक्सटेंड कर दिया और फिर हम इसका क्लोन बनाएंगे। ये क्लोन बना के जो इसका हायर हाई है यहाँ पर हम इसको रख देंगे। अब हमको पता तो है नहीं कि आगे कितना जा सकता है, लेकिन हम अब देखते हैं इसको, ये देखिए आप। तो जिसको हमने, ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था और ये से जो से हमारा सेकंड पॉइंट था, यहाँ पर हमने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके इसको एक्सटेंड किया, तो देखिए आप कि इसके बाद ये तीसरी बार यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया और फोर्थ बार भी यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, और ऊपर हमने जब हायर हाई पे इसको क्लोन करके, ड्रॉ नहीं किया था हमने, इसको क्लोन किया था नीचे वाली ट्रेंड लाइन को, तो ऊपर देखिए आप हायर हाई में इसको किया, तो इसके बाद ये इसी पोजीशन पे आया और ये वापस यहाँ पर मल्टीपल टच करके जब इसने इसको ब्रेकआउट दिया, ये देखिए जब इसने इसको ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, तो आप देखिए ये मूव,
तो इसको कहते हैं क्लोनिंग टेक्निक, जो कि एक ट्रेंड लाइन में यूज की जाती है। दूसरा होता है कि ट्रेंड लाइन हमें चार्ट पैटर्न्स बनाने में काम करती है। तो आप देख सकते हैं कि चार्ट पैटर्न्स को हम कैसे बना सकते हैं ट्रेंड लाइन, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। ये चार्ट पैटर्न्स बनाने के लिए बॉडी से बॉडी ये हमने बॉडी बनाई है, और ये बॉडी से बॉडी, तो इस तरह से हम चार्ट पैटर्न्स बनाते हैं। लेकिन अब इसमें एक क्लोन टेक्निक का वापस यूज किया जाता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि बॉडी से बॉडी बनाने के लिए बहुत सारे ट्रेडर्स कहते हैं, और बहुत सारे ट्रेडर्स कहेंगे कि आप वीक से वीक बनाइए, लेकिन हमें इसको क्या करना है, ट्रेंड लाइन दो बॉडी से बॉडी बनाने के बाद हमें इसकी क्लोन करनी है, और जो वीक है उस वीक के वहां पर इसको रखना है, ये ऐसे। और वैसा का वैसे हमको नीचे की ट्रेंड लाइन को क्लोन करके हमें नीचे की बॉडी पर रखना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए, अब इसको ये ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहां से ये ब्रेकआउट देगा, तो ये जो टारगेट है, ये रिटेस्ट करने के बाद ये टारगेट आ सकता है। तो इस तरह से इसको डबल टेक्निक बोलते हैं ट्रेंड लाइन की, कि बॉडी से बॉडी मिलाने के बाद जो वीक्स बचती है उस पर भी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होती है क्लोन करके। जैसे कि हम एक और स्टॉक देखते हैं, पीडी लाइट। ये देखिए आप, तो इस पर हमने क्या किया था, सबसे पहले बॉडी से हमने ट्रेंड लाइन बनाई, और उसके बाद हमने ये वीक जो इसका हायर हाई था इस पर हमने ट्रेंड लाइन बनाई। तो जब इसने इसको ब्रेक किया, तो इस टेक्निक को हम डबल सपोर्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस की तरह भी यूज कर सकते हैं, और सपोर्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे इफेक्टिव वेज है ट्रेंड लाइन यूज करने का। एक बार हम और देख लेते हैं कि कैसे, जैसे कि अगर आपके पास कोई एक पॉइंट है, ये दो पॉइंट है, और कोई स्टॉक ऐसे जा रहा है, तो आपको दो पॉइंट्स पे इसको ड्रॉ करना है, फिर इसको एक्सटेंड कर देना है। ये आपने एक्सटेंड कर दिया, फिर इसका आपको क्लोन करना है, और जो ये हायर हाई था उसका पहला वाला, उस पर आपको क्लिक, तो स्टॉक इसी के एक रेंज में आपको घूम आगे के पॉइंट्स भी मिल जाएंगे कि आगे किन पॉइंट तक जा सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ से इसको ब्रेक करता है, तो इसको एक रिटेस्ट करने के बाद ये ऊपर ही जाएगा। लेकिन इसकी भी एक और आगे की टेक्निक देख लेते हैं, कि जैसे कि अगर इस स्टॉक ने यहाँ से इसको ये ब्रेक दिया, तो आपको क्या करना है, ब्रेक करते ही आपको उसको बाय नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, इसका क्लोन बनाना है आपको, ये क्लोन, और जो ये इसका हाई था यहाँ पर इसको पॉइंट रखना है ये, और जो ये उसका सबसे क्लोजिंग हुई थी वहाँ पर आपको एक लेवल ड्रॉ करना है। अब जब ये इसके हाई को और इसके लेवल को अगर ये ब्रेक करके वापस यहाँ टच करके आता है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। उसी तरह से अगर ये स्टॉक नीचे आता है ऐसे, तो जगह पर डायरेक्ट सेल नहीं करना है, ये जो पॉइंट दिख रहा है इस जगह पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है ये, इसका क्लोन करना है, और इस क्लोन को आपको इस पॉइंट तक रखना है, और इसका एक लेवल बनाना है ऐसे। अगर ये स्टॉक इसी के बीच में ऐसे करता है, मूव करता है साइडवेज, और अगर ये ऐसे ब्रेक करके लेवल को ब्रेक करता है, तो आप इसको शॉर्ट सेल कर सकते हो। लेकिन अगर ये इसी रेंज में अगर मूव करता है और ये ऊपर चला जाता है, तो आप इस जगह पर इसको बाय कर सकते हो ऊपर के टारगेट्स के लिए। तो आप डाउन ट्रेंड में यानी कि सेलिंग के फेक ब्रेकडाउन से भी बच जाएंगे, ऐसा कैसा आप ऊपर की तरफ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन को यूज़ करने का ये सबसे इफेक्टिव वेज है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये देखिए आप। तो अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की। हॉरिजॉन्टल लाइन एक टूल है, जो ये आपको लाइनें दिख रही है लंबी लंबी, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका टूल आपको यहाँ मिल जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन का। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, ये मेन तो यूज़ होती है लेवल्स बनाने के लिए, जैसे कि आपको ये स्विंग्स पे लेवल्स बनाने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि कोई स्टॉक ना तो ऐसे ऊपर जाता है
और ना ही ऐसे नीचे आता है। स्टॉक ऊपर जाता है ऐसे और नीचे आता है ऐसे। तो ये जो लेवल्स होते हैं, ये जो हायर लोज होते हैं, यहाँ पर हम लेवल्स बनाते हैं। ये फिर ये हायर हाई पे हमने लेवल्स बनाए, फिर हायर लो पे वापस लेवल्स बनाए। तो ये मेन काम हमारा आता है लेवल्स बनाने के लिए। वैसे हम डाउन ट्रेंड में भी कर सकते हैं, क्योंकि इन लेवल्स से क्या होता है कि हमें पता पड़ता है कि स्टॉक कैसे मूव कर रहा है। जैसे कि हमने ये बनाए, यहाँ पर लेवल्स बनाए, देखिए आप ये लेवल, उसके बाद नेक्स्ट लेवल हमने यहाँ बना दिया, उसके बाद नेक्स्ट लेवल हमने ये बना दिया और नेक्स्ट लेवल ये। तो आपको जैसा कि आपको दिख रहा है कि स्टॉक अगर इस लेवल को ब्रेक किया इसने तो ये नीचे आया, फिर वापस इस लेवल को अगर इसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो ये इस लेवल तक गया, फिर इसको ब्रेक किया तो ये ऊपर तक गया, फिर ऊपर से उसको रेजिस्टेंस मिला तो ये नीचे आया, फिर इसको ब्रेक किया तो ये और नीचे की तरफ आया और नीचे वाले को सपोर्ट की तरह यूज़ किया, फिर इसको सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमारे लेवल्स बनाने के काम आती है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये हमारा एक लेवल, ये हमारा दो लेवल। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लेवल्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हैं लेवल्स बनाने के लिए। तो अब हमारा है थर्ड टूल जो है वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो इसका यूज़ हमें रिट्रेसमेंट या फिर करेक्शन पता करने के लिए करना पड़ता है। तो चलिए इस टूल दिखता कैसा है और इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं हम देखते हैं। तो आपको ये टूल यहाँ पर दिखेगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो इसमें जो नंबर्स है वो कैसे आते हैं वो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसका यूज़ करना आना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि इसके जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है वो तो एक तो है 0.38, एक है 0.5, एक 0.618 और एक है 0.786। ये इसके इम्पोर्टेंट लेवल्स है जो हमें ध्यान रखने हैं। उसी तरह से अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो इसमें भी इसके जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है वो यही रहेंगे, 0.38, 0.5, 0.618 और 0.786। जैसा कि आपको पता है कि मार्केट एक लाइन में ऊपर नहीं जाता और एक ही लाइन में नीचे भी नहीं आता है, तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर रहता है वो इस तरह से रहता है। ये तो इसमें जो ये हायर लो हायर हाई, तो अप ट्रेंड में इसको यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होता है कि ये फिबोनाची टूल को लेकर हायर लो होते हैं वहाँ से हायर हाई तक हमें ड्रॉ करना होता है, और फिर ये जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं 0.382, 0.5, 0.618 और 0.786, इससे हमें रिवर्स आना चाहिए ऊपर की तरफ। इसको आप किसी भी हायर लो पर यूज़ कर सकते हैं अप मार्केट में। जैसे कि हम यहाँ से देख रहे हैं ये, और इसको हम ऊपर वाला हायर लो से भी देख रहे हैं ये, और अगर हम पूरा करेक्शन देखना चाहते हैं बहुत बड़े का तो हम यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर सकते हैं, तो हमें पूरा करेक्शन दिख जाएगा। ऐसा कैसे ही रिवर्स में भी होता है, जब मार्केट इस तरह से नीचे की तरफ आता है इस तरह से, जब मार्केट नीचे आता है तो हमें इसको यूज़ करना होता है। हम इसको हर स्विंग पे लोअर हाइस पे यूज़ करेंगे। यहाँ पर अभी आप करेक्शन देख सकते हैं 382 तक है, इसको हम लोअर हाइस में करेक्शन देखेंगे इसका नीचे की तरफ,
ऐसे, और या फिर हम इसको बड़ा करेक्शन भी देख सकते हैं ऐसे। तो अप मार्केट में तो आपको यूज करना है, जब आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अप मार्केट में यूज करेंगे तो हायर लोस से ड्रॉ करेंगे हायर हाई तक, और अगर आप डाउन मार्केट में यूज करेंगे बियरिश मार्केट में तो लोअर हाई से लोअर तक आप फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे। अब इसको यूज करने का तरीका बताता हूँ, आप इसको दो तरह से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट तो जैसे कि अगर कोई स्टॉक है वो ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ से हल्का सा ऐसे, तो अब आपको देखना है कि ये जो वाला मूव है ये कितना नीचे तक आ सकता है। तो आप क्या करेंगे इसको यूज़ करने के लिए, फिबोनाची टूल को हायर लो से आप इसको ड्रॉ करेंगे यहाँ तक ऐसे। अब हमको पता है कि अगर ये यहाँ तक आता है 236 तक, तो यहाँ से ये रिवर्स हो सकता है, तो हम इस जगह पर ट्रेड बाय की साइड ले सकते हैं इस जगह पर। लेकिन अगर ये 236 को ब्रेक करके यहाँ तक आता है और वापस ऐसे रिवर्स करता है तो हम इसका ट्रेड यहाँ तक, यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं इसके अप मार्केट के लिए ये ऐसे। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर ये यहाँ से 3.80 के नीचे क्लोजिंग देता है किसी भी टाइम फ्रेम पर, अगर रिट्रेसमेंट कोई भी स्टॉक ऊपर जाते हुए अगर 3.82 से अगर क्लोजिंग दे देता है नीचे कोई भी कैंडल पे, तो ये गारंटी है कि ये इसके नीचे 5 तक तो आएगा ही आएगा। और अगर ये स्टॉक 5 से नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है तो उसके बाद ये यहाँ तक 0.618 तक आएगा, और अगर ये इसके नीचे भी अगर क्लोजिंग दे देता है तो हम देख सकते हैं कि ये नीचे 786 तक आ सकता है। तो यानी हम इसको डाउन ट्रेंड में भी यूज़ कर सकते हैं हल्का सा। ये है जैसे फिबोनाची, अगर कोई स्टॉक यहाँ से ऊपर गया हुआ है यूँ, लेकिन वो यहाँ तक आने के बाद अगर ऊपर चला जाता है तो हम इसको यहाँ पर बाय कर सकते हैं इस जगह पर। लेकिन अगर ये स्टॉक नीचे आता है और यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो हम इस जगह पर भी इसको बाय कर सकते हैं इस जगह पर। लेकिन अगर ये 0.381382 के यहाँ पर अगर क्लोजिंग दे देता है किसी कैंडल पे, तो हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं हमारे 0.5 लेवल तक। और अगर ये 0.5 लेवल तक कैंडल को क्लोजिंग कर देता है उस लेवल से नीचे, तो हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं 0.618 तक। तो इसी तरह से अगर 0.618 से नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है ऐसे, तो हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ तक। 0.382 के नीचे किसी भी लेवल पर अगर क्लोजिंग नहीं देता है तो हमें ऊपर के लिए बाय करना होगा ऐसे। अब इसको आप एक तरीके से और यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपका कोई स्टॉक है वैसे ऊपर जा रहा है और उसने रिट्रेसमेंट किया और इस पोजीशन में है, तो अब आपको ये देखना है कि ये जो पॉइंट करेक्शन है ये कितना ऊपर तक जा सकता है, यहाँ से कितना ऊपर तक जा सकता है ये ऐसे। तो वो देखने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लेके लोअर हायर लो से ड्रॉ करना होगा। जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये स्टॉक इस लेवल तक आ गया है 0.3821, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, रिट्रेसमेंट को लोअर हाई से लोअर लो की ओर देखेंगे और इसको अब ये जो 0.236 तक है ये स्टॉक यहाँ से जाएगा ऊपर की तरफ यहाँ तक, इस लेवल तक तो जाएगा ही जाएगा जो कि है 382 तक। और अगर कोई स्टॉक नीचे ऐसे आता है फिर लोअर हाई बनाता है और ऐसे, तो अब हमें देखना है कि ये जो मूव है ये वाला मूव ये हमें कितना मूव दे सकता है आगे की तरफ बियरिश में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लोअर हाई से लोअर लो तक हम बनाएंगे ड्रॉ करेंगे फिबोनाची को। अब हम देख रहे हैं कि ये 0.5 तक है, ये जो रिट्रेसमेंट हुआ है ये 0.5 तक हुआ है। तो उसके बाद हम एक बार ऊपर से नीचे तक ड्रॉ करने पर, लोअर हाई से लोअर लो तक ड्रॉ करने के बाद हम इसको लोअर लो से लोअर हाई तक ड्रॉ करेंगे ये। तो अभी आपको दिख रहा है कि जो ये लेवल है वो 0.236 का है,
तो हमने देखा था कि इसने रिट्रेसमेंट कितना मारा था, 0.5 तक का। तो जो ये है वो यहाँ तक 0.5 तक के लेवल तक स्टॉक आ सकता है। तो इसको यूज़ करने का ये दूसरा तरीका है। एक तो हम रिट्रेसमेंट देख सकते हैं और रिट्रेसमेंट कितना है वो देख सकते हैं। तो अब चलिए हम चार्ट्स की ओर देखते हैं। तो डाउन ट्रेड में हम इसको यूज़ करेंगे लोअर हाई से लोअर लो तक। तो अब आप ध्यान से देखिए इसको कि जब इसने 3.82 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो ये 5 तक भी गया, 5 के बाद ऊपर 6.18 तक भी गया। तो इसको आप पूरा यहाँ तक भी ड्रॉ कर सकते हैं बड़ा। अब आप ये देखिए कि जब इसने ये जो इसका 0.382 वाला इम्पोर्टेंट लेवल है ये वाला, ये वाला जो मेन इम्पोर्टेंट लेवल है ये, जब इसने इसको क्रॉस कर दिया तो हमें सबसे पहले वाला लेवल तो मिला 5 वाला। अगर इसने 5 के ऊपर भी क्लोजिंग दे दी तो हमें मिला 6 वाला, 0.6 वाला लेवल। और अगर उसके भी ऊपर क्लोजिंग दे दी तो हमें 0.7 वाला लेवल मिल गया है। तो ये इसको ट्रेड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर फिबोनाची में 0.3, 0.5, 0.6 और 0.786 से नीचे अगर क्लोजिंग देता जाता है तो वो अगले डाउन ट्रेंड के लेवल तक जाएगा। और अगर अप मूव में अगर वो इसके ऊपर जाता रहता है तो अप साइड के मूव देखने को मिलेंगे। जैसे कि तो चलिए तो अप साइड के अगर हम मूवमेंट में देखें तो ये देखिए आप, इसने 3 के नीचे क्लोजिंग दी यहाँ पर तो ये 5 तक के लेवल तक गया। अगर 5 के नीचे इसने क्लोजिंग दी तो 6 के लेवल तक गया। अगर 6 के यहाँ से रिटर्न हुआ है तो हम इसको इस जगह पर बाय कर सकते हैं। किस जगह? इस जगह पर हमें अपसाइड का मूव दिख जाएगा। अभी अपसाइड कितना जा सकता है उसके लिए अगर हमको देखना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नीचे से यहाँ से देखेंगे, ड्रॉ करेंगे लोअर हायर लो से हायर हाई तक। देखिए ये यहाँ तक आया था रिट्रेसमेंट, इसका रिट्रेसमेंट आया था 0.618 तक। तो अब हम इसको सबसे पहले हमने इसको ड्रॉ किया हायर लो से हायर हाई तक। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे लोअर हाई से हाई तक, लोअर हाई से लोअर लो तक। तो हमारा ये जो पहला रिट्रेसमेंट था ये 0.618 तक था, तो इसने ऊपर कितना रिट्रेसमेंट दिया है ये देखिए आप, 0.61 तक तो इसने रिट्रेसमेंट यहाँ तक ये ही दिया है। तो अगर आपको देखना है कि ऊपर कितना जा सकता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको नीचे से ड्रॉ करना है ऊपर। इसने 0.618 का रिट्रेसमेंट दिया है तो अब हम ऊपर से ड्रॉ करेंगे इसको यहाँ तक। अब ये देखिए 0.61 तक का ऊपर तक चला गया। तो इसको हम इन दो तरीके से फिबोनाची को यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए इस पर आप कमेंट भी कर सकते हैं।